ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने बाड़ा स्थित विक्टोरिया मार्केट की 6 दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। इन दुकानों से 400 घड़ी बरामद की हैं। व्यापारी इन घड़ियों को दिल्ली से 50 से 60 रुपए में खरीद कर लाते थे। यहां फास्ट्रैक टाइटन ब्रांड के नाम पर 900 से 1000 रुपए में बेचते थे। पुलिस ने माल जब्त कर कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दुकान संचालकों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल शहर की क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी दामोदर गुप्ता को टाइटन कंपनी के कंसल्टेंट मैनेजर गौरव श्रीवास्तव ने सूचना दी थी कि बाड़ा स्थित टोपी बाजार में नीलम वॉच कंपनी, सोनी टाइम्स और विक्टोरिया मार्केट की ट्रिपल एक्स राधा रानी कलेक्शन, मनीष एसोसिएट फैशन कलेक्शन पर टाइटन और फास्ट्रैक घड़ियों के नाम पर नकली दिल्ली मेड घड़ियां बेची जा रही हैं। इस पर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें बनाकर पहले इन दुकानों पर पहुंचाई गई। जब नकली प्रोडक्ट मिलना कंफर्म हो गया तो एक साथ दबिश दी गई। 6 दुकानों से 400 घड़ियां जब्त की गई हैं, जिन पर फास्ट्रैक और टाइटन के टैग लगे थे। साथ ही उनको मार्केट में 900 से 1000 और भी अधिक दामों में बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस को काफी संख्या में रिकॉर्ड भी मिला है, जिसमें ये लोग सालों से दिल्ली से घड़ियां लाकर ब्रांड के नाम पर बेच रहे थे। फिलहाल कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। सभी दुकान संचालकों से पूछताछ की जा रही है। कल शहर में सूचना मिल रही थी कि कुछ टाइटन कंपनी की नकली घड़ियां बेची जा रही हैं, तो उस पर से कंपनी के तरफ से एक व्यक्ति को भेजा गया था जो उसके एक्सपर्ट हैं। उनके द्वारा कुछ घड़ी खरीदी गई और जांच की गई तो वो नकली पाई गई। उस पर से उनने यहां क्राइम ब्रांच में संपर्क किया तो क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा दबिश दी गई। तो 6 जगह पर, 6 दुकानों पर सर्च की कार्रवाई की गई, जहाँ करीब 400 नकली घड़ियाँ बरामद हुई हैं। तो उन 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कॉपीराइट एक्ट में की जा रही है।